का हमारे चैनल। आज मैं आपके सामने बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक ब्रीडिंग मेथड इन एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो एसेक्सुअली या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उनमें कैसे ब्रीडिंग किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लोनल सेलेक्शन, क्लोनल सेलेक्शन क्या होता है। और उसके बाद पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि होता क्या है, और उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस इन सभी में कैसे करते हैं, या फिर एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप में कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस करते हैं, और क्लोनल सेलेक्शन की मदद से फिर क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम नया बीज मार्केट में लाते हैं। तो ये प्रोसेस पढ़ने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे पहले एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप होते क्या हैं। तो उससे भी पहले एसेक्सुअल क्या होता है, तो जैसा कि हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, जब माता पिता दोनों मिलकर किसी संतान की उत्पत्ति करें तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब केवल एक ही ऑर्गेनिज्म, या तो पिता या माता, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म से संतान की उत्पत्ति हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मतलब कि यहाँ पर कोई भी दो पेरेंट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जैसे हमारा एक पेरेंट्स मेल है और दूसरी पेरेंट्स फीमेल है, तो यहाँ क्रॉस जब होता है तो ये तो हो जाता है प्रोसेस सेक्सुअल का, ये सेक्सुअल प्रोसेस है। और जब डायरेक्ट कोई ऑर्गेनिज्म है और यहाँ से एक संतान की उत्पत्ति होती है, कोई संतान है, वो क्या कहलाता है, ये प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट में जैसे कुछ क्रॉप्स होते हैं जो सेक्सुअली प्रोपागेट न करके डायरेक्ट एसेक्सुअल प्रोपागेशन होता है, उनका प्लांट ब्रीडिंग कैसे करेंगे। तो अब हमें समझ आ गया एसेक्सुअल प्रोपागेटिव क्रॉप क्या होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर मेनली क्रॉप में, एसेक्सुअल प्रोपागेशन क्रॉप में आता है मेन एक जो है क्रॉप सुगर केन। यदि हमें इसका ब्रीडिंग करना रहेगा, इसके जीन में सुधार करके इसका हाई यील्डिंग बढ़ाना है या फिर कुछ करना है, तो कैसे करेंगे, ये हम पढ़ते हैं क्लोनल सेलेक्शन और क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन में। सो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप के। तो जैसा कि पहले बताया मैंने, सुगर केन, पोटैटो, जैसा कि आपको दिख रहा है पोटैटो, और याम्स, रतालू जिसे कहते हैं, जैसे जो जमीन के अंदर कंद बैठते हैं। उसके बाद अदरक, हल्दी, और जैसे कि सभी फ्रूट्स ट्री, ज़्यादातर फ्रूट्स ट्रीज में, क्योंकि उन्हें फ्रूट से हमें बोने, यदि हम फ्रूट के सीड से फ्रूट का ट्रीज बनाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, हम लोग जैसे हॉर्टिकल्चर में पढ़े हैं तो उसका यूज करके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सभी एसेक्सुअल प्रोपागेशन क्रॉप, प्रोपोगेटिव क्रॉप है, और एसेक्सुअल मेथड से ही इनमें ब्रीडिंग होता है। और जैसे कि कुछ और क्रॉप्स में होते हैं, इन सब क्रॉप्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्हें एसेक्सुअल करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि पहला है, इसमें कहीं कहीं फ्लावर नहीं होता। जब फ्लावर ही नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे, ये तो नॉर्मली सी बात है, क्योंकि फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। तो जब फ्लावर में है ही नहीं तो एसेक्सुअल प्रोपागेटेड क्रॉप आराम से है, उसे हम कह सकते हैं। सो दूसरा जो है, फ्लावर के बाद के फ्लावर नहीं हुआ तब तो एसेक्सुअल होगा। और एक इसका ये होता है कि जब एसेक्सुअल होगा तो कोई रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन होगा ही नहीं। सो कोई भी हमारा नया वैरायटी बनेगा ही नहीं, जैसा वैरायटी था सेम वैसा का वैसा ही मिलेगा। और इसी के साथ साथ हमें एक चीज़ मिला, जैसा हमारा पेरेंट्स था सेम वैसा ही हमें क्या मिला, प्रोजनी। जो हमें प्रोजनी मिली F1, ये एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, क्या एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसी को व्हेन द पेरेंट्स प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग सेम एज टू कॉपी इज कॉल्ड एज क्लोन। द टर्म क्लोन, व्हाट इज क्लोन, क्लोन द
तो क्लोन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानना चाहेंगे। तो क्लोन का डिफिनेशन क्या होता है? तो क्लोन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस हो और अपने पेरेंट्स के सेम एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी हो, मतलब जेनेटिक से भी उसका जीन भी एकदम सेम हो और उसका फिनोटिपिक जेनेटिक और फिनोटिपिक मतलब उसका जीन और डीएनए सब कुछ एकदम एक जैसा हो अपने पेरेंट्स की तरह और उसका जो फिनोटिपिक बाहरी दिखावट है वो भी सेम एग्जैक्ट हो टू कॉपी अपने पेरेंट्स की तरह, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं क्लोन। तो क्लोन के यदि डिफिनेशन की बात करें तो ऐसा प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एग्जैक्टली टू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, तो ये हुआ क्लोन। अब हम लोग क्लोन के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले क्या होता है कि जेनेटिकली एग्जैक्टली सेम होता है, जेनेटिकली सेम, ये है इसके कैरेक्टर्स। और फिनोटिपिक भी एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, जो क्लोन है वो जेनेटिकली सेम है और फिनोटिपिकली भी सेम ही है। इसके साथ इसका एक कैरेक्टर्स ये है कि यह माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा माइटोसिस से उत्पन्न होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। जैसे कि यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, लेकिन इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। उसके बाद इसके एक गुण ये है कि इमोर्टेलिटी अमरत्व होता है, इमोर्टेलिटी इसमें अमरत्व पाया जाता है, मतलब ये कभी मरता नहीं है। जैसे कि एक प्लांट एक पेरेंट्स है तो पेरेंट्स सेम वैसे अपनी प्रोजनी जब अपने सेल्स को निकाल के नया प्रोजनी बन गया तब ये तो सेल तो वही जिंदा रह गया, मतलब कि ये डेड नहीं करता, इमॉर्टल होता है। इसमें इमॉर्टेलिटी की एक करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। उसके बाद इसमें लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन मतलब अनुवांशिकी कोई भी बदलाव नहीं होते, इसमें कोई भी अनुवांशिक वेरिएशन विविधता नहीं पाई जाती, जेनेटिक वेरिएशन अनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती किसमें, क्लोन में। सो अब हमने क्लोन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इसका एक करेक्टरिस्टिक्स के साथ एक डीमेरिट्स जो है इसका सेम है कि अगर क्लोन पैदा बार बार एक बार ही एक बार बार क्लोन बनता है तो इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है। तो वैसे सिलेबस में ये एक अलग से टॉपिक ही दे दिया है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बस जानेंगे, उसके बाद इसके लिए हम अलग से कोई टॉपिक बनाएंगे। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन यह होता है, मतलब बार बार एक ही पेरेंट से सेम प्रोजनी बनती जा रही है अगले स्टेप में F2 F3 में। तो इससे क्या होता है, इसके जो अच्छे गुण थे वो नष्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं। तो जब लॉस होते हैं जो अच्छे गुण, तो उसी गुण को लॉस होना क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बाद हम लोग बात करें तो क्या यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन से हम लोग आगे का जो हम लोग क्लोनल सेलेक्शन इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए करते हैं, क्या ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है इसी को कम करने के लिए, इसका प्रभाव समाप्त करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्लोनल सेलेक्शन। तो आगे आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, क्लोनल सेलेक्शन। तो क्लोनल सेलेक्शन, अभी तो हमने पढ़ा क्लोन क्या होता है, मतलब जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली सेम ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट टू कॉपी ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज क्लोन, मतलब जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स का सेम एग्जैक्ट कॉपी जो प्रोजनी आई है हमारी F1 प्रोजनी आई है ये एग्जैक्टली टू कॉपी होगा तो क्या कहलाता है, क्लोन। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्लोन इसका सिलेक्शन कैसे करें कि हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो और हमारा क्या आ जाए, अच्छे सी एक प्योर लाइन प्रोजनी आ जाए जो कि एग्जैक्टली क्लोन हो विदाउट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो फॉर दिस वी हैव टू नो
व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब कौन कौन से कारक इस पर प्रभाव डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कारक प्रभाव डालते हैं। तो पहला कारक है वो है जेनेटिक, जेनेटिक फैक्टर, जिसको हम जी से दिखाते हैं। जो सेकेंड टॉपिक है हम लोग का, जो मतलब कि इसका फैक्टर्स सेकेंड है, वो है इन्वायरमेंटल, इसको हम दिखाते हैं ई से। और इन दोनों का जो है इंट्रैक्शन, जी ई इंट्रैक्शन, जेनेटिकल एंड इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन। अब ये इन्वायरमेंटल में क्या क्या हो सकता है? तो इन्वायरमेंटल में हो सकता है क्लाइमेट से जो प्रभाव पड़े हमारे क्रॉप को, उसके बाद क्लोन में डिप्रेशन आ जाए, या फिर तो कुछ चेंजेज आ जाए, या फिर तो म्यूटेशन से। म्यूटेशन के बारे में भी हम लोग पढ़े होंगे जेनेटिक में, या फिर तो नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि म्यूटेशन ब्रीडिंग एक टॉपिक ही दिया हुआ है। सो अब हमारे पास हो गया जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्लोनस। तो क्लोनल सिलेक्शन के बाद हम लोग बात करें तो क्या प्रभाव, मतलब कि इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स के पहचान करने के लिए डायरेक्ट इनके क्या कहते हैं, इनको देखने से मालूम नहीं चलता, या फिर सिर्फ जेनेटिक या इन्वायरमेंटल से हमें इनका पता नहीं चल जाता कि इनके यील्ड में या फिर कैसे प्रभाव होता है, या फिर किसी एक प्लांट के बेसिस पे हम लोग इसका कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम एक ग्रुप के हिसाब से बताएंगे। इसलिए अगर हम इसका सिलेक्शन की बात करें तो इस जो स्टेप्स हैं, सिलेक्शन के स्टेप्स हैं, स्टेप्स में कैसे करेंगे, स्टेप्स हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन लेते हैं, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन लेंगे, मतलब ना एकदम, मतलब कि जो कुछ सुपीरियर हैं उसमें से 100-200 बीज, मतलब एक पॉपुलेशन में से कुछ बीज ले लेंगे, करीबन 100 या 1000 के आसपास सेवरल पॉपुलेशन में से, और इन सबको हम ग्रो करेंगे। तो हमने फर्स्ट ईयर में क्या किया, इनको ग्रो किया। फर्स्ट ईयर में हमने एक पॉपुलेशन को ग्रो किया। अब ये जो पॉपुलेशन है, इसमें से हम कुछ जो बिल्कुल अच्छे वाले, मतलब जो अच्छे से करेक्टरिस्टिक्स दिखा देंगे, जो करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए क्लोन में, वो उन प्लांट्स को चूज करके करीबन जो कि वो हो जाएंगे 20 से 25 क्लोन्स जो सेलेक्ट करेंगे हम लोग, 20 से 25 या फिर तो इन्फीरियर्स को इसमें से हटा के, क्या इन्फीरियर्स जो मतलब ख़राब होंगे उनको हटा के अच्छे वाले क्लोन्स को हम सेकेंड ईयर में, क्या सेकेंड ईयर में लाइन्स में ग्रो करेंगे, लाइन्स में ग्रो करेंगे। उसके बाद लाइन्स में ग्रो करने के बाद हम क्या करेंगे, इनमें भी इन्फीरियर को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इन्फीरियर मतलब वो होता है कि जो ख़राब हो या फिर जो अपना गुण ना दिखा पाएँ, तो इन्फीरियर्स को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें से सिलेक्शन करेंगे। जब हम लाइन में ग्रो करने के बाद इसमें से अच्छे को सेलेक्ट कर लेंगे और जो इन्फीरियर होगा उसको हम लोग हटा देंगे, तो जो हमारे पास अच्छे वाले करेक्टर्स वाले हैं उनको हम PYT प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट में ग्रो करेंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट में इसको ग्रो करेंगे। इसके बाद इसी समय इसका डिजीज रेसिस्टेंस, यील्ड, और उसके बाद एनवायरमेंट के प्रति इसका क्या प्रभाव है, ये सब इसी के समय हम लोग टेस्ट कर लेंगे। और अगली बार इसमें हम लोग इसे जो अच्छे वाले इसमें से जो हम निकलेंगे उसका चूज कर लेंगे और इन्फीरियर को हटा देंगे। फिर अगली बार हम लोग क्या करेंगे, मल्टी यील्ड ट्रायल में ग्रो करेंगे, मतलब कई अलग अलग जगह पर इसका यील्ड ट्रायल हम लोग इसका ग्रो करेंगे, देखेंगे कि इसका प्रभाव अब कैसा है। ये करीबन 4-5-6 सालों तक होता है, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर, ये सिक्स्थ ईयर तक हम लोग इसे मल्टीलिमिनरी, यहाँ पे PYT हुआ प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट, और यहाँ पर ये हुआ मल्टी लोकेलिटी यील्ड टेस्ट MYT कर लेंगे। उसके बाद इसमें से जो अच्छे प्रोडक्ट रहेंगे, जो हमारे पास अच्छे क्रॉप्स निकलेंगे जो है, उसको हम चूज करेंगे और इन्फीरियर को हटा देंगे।
उसके बाद इसमें से जो बिल्कुल अच्छे अच्छे निकलेंगे सिक्स लास्ट तक, उसको हम क्या करेंगे नई वैरायटी के रूप में रिलीज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग उसमें से जो बेस्ट क्लोन्स निकले हैं, क्या जो बेस्ट क्लोन्स निकले हैं उसे सेवेंथ ईयर में उस बेस्ट क्लोन्स को ओपन पॉलिनेशन के तरीके से ग्रो करेंगे फील्ड में, वो भी रिसर्च में ही। उसके बाद जब हम इसे ग्रो कर लेंगे तो इसका फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको हम नई वैरायटी के रूप में मार्केट में दे देंगे, यदि हमारा न्यू वैरायटी मार्केट रिलीज। तो ये जो स्टेप था, मतलब हमने फर्स्ट ईयर में पहले इसे ग्रो किया पॉपुलेशन में, उसमें से जो हमें क्लोन जैसा चाहिए था जिसका करेक्टरिस्टिक, उसे हम लाइंस में उसे चूज करके लाइंस में ग्रो किए। उसके बाद उसमें से जो करेक्टरिस्टिक्स अच्छे थे इन्फीरियर को हटा के, हमने प्रीलिमिनरी इल टेस्ट में इसको ग्रो किया, मतलब कि इसी में उसका करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कितना उसका यील्ड है, किसके प्रति रेजिस्टेंस है, डिजीज रेसिस्टेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, इसके बारे में हम चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर मल्टी लोकेलिटी यील्ड टेस्ट करेंगे, जिसमें उसके हाई जो बेस्ट क्लोन होंगे उसको चूज करेंगे और जो इन्फीरियर क्लोन होंगे उसको हटा देंगे। और बेस्ट क्लोन को चूज करने के बाद हम लोग उसको फिर से बड़े लेवल पर ग्रो करेंगे। उसके बाद फिर उसमें से जो बेस्ट क्लोन होंगे उसको चुन के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग उसे नए वैरायटी के रूप में मार्केट में उतार देंगे। और ये जो हमें नई वैरायटी प्राप्त होगी, ये सेम एग्जैक्ट क्लोन होगी हमारे जो हम वैरायटी को चूज किए थे स्टार्टिंग में, और इसमें कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं होगा। ये हमारा इस तरीके से ख़त्म होता है क्लोनल सेलेक्शन। अब हम लोग क्लोनल सेलेक्शन से हमने एक बेस्ट क्लोन्स निकाल लिए, तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। यह सेम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब पिछले क्लास में जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन सेम एग्जैक्टली वही होता है। बस यहाँ क्या करते हैं, हमने जो क्लोनल सेलेक्शन में क्लोन पैदा किया है, जो क्लोन हमने तैयार किया है, उसी क्लोन से हाइब्रिडाइजेशन करा के नया प्रोसेस करेंगे, और क्लोनल सेलेक्शन की तरह नया एक एग्जैक्ट क्लोन और वेराइटी हम लोग तैयार करेंगे। जैसे समझते कैसे हैं कि हमने जो क्लोन तैयार किया, मान लेते हैं हमने एक क्लोन तैयार किया है ए, तो क्लोन ए इसको हमने एक फील्ड में उगाया, और दूसरा हमने एक तैयार किया है क्लोन बी। ये अलग अलग क्लोन है, मतलब हो सकता है दो प्रोसेस हमने, मतलब जैसे वो प्रोसेस था उसी प्रोसेस से डबल क्लोन हमने तैयार किया, तो क्लोन बी। अब इन दोनों क्लोन्स का क्रॉस कराएंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, एक इसके मतलब कि पॉलन ग्रेन को निकाल के इसके एंथर में इसके स्टिग्मा पर ले के इससे क्रॉस करा के ये सब चेक करें, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उस तरीके से। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास एक वैरायटी जो आएगी, उसमें से करीबन जो वैरायटी सीड्स आए उसमें से करीबन 5000 से 20000 सीड्स को ले करके इसमें ग्रो करेंगे और ओपन पॉलिनाइजेशन कराएंगे। जैसा कि क्लोन ए क्लोन बी था, इसमें एक अलग कोई करेक्टर था और इसमें कोई एक अलग करेक्टर था, तो इन दोनों करेक्टर को हम एक अपने क्लोन में लाने के लिए, एक क्लोन में लाने के लिए हमने यह हाइब्रिडाइजेशन कराया। ये तभी हो सकता है जब उसमें सेक्सुअली प्रोपागेशन संभव होगा, सब क्लोन में ये संभव नहीं होता। तो जो प्लांट या जो क्रॉप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसी में ये क्लोनिंग मेथड हम लोग यूज करके क्लोन से हम लोग तैयार करेंगे एक हाइब्रिड, और उस हाइब्रिड से का कुछ बीज हमने ओपन पॉलिनेशन के लिए ग्रो करेंगे। उसके बाद उसमें से 500 से 2000 सीड्स को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे करेक्टर के हिसाब से होंगे, सेलेक्ट किया जाएगा जो हमारे करेक्टर जैसा बिहेव करेंगे। ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर, और अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, जो हम सेलेक्ट किए हैं उसे सेम पिछले क्लोनल सेलेक्शन की तरह प्रोसेस लाइंस में ग्रो करेंगे। लाइंस में ग्रो करने के बाद इसमें से जो अच्छे होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर और सबको नेगलेक्ट करेंगे, मतलब और सबको हटा देंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस सेम
PYT करेंगे, प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट, उसमें यील्ड का, डिजीज रेसिस्टेंस का मतलब रोग का, इंसेक्ट रेसिस्टेंस का, वीड का, इन सभी का रेसिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये PYT करेंगे हम लोग इस ईयर में, PYT फोर्थ ईयर में PYT करेंगे। फिर फोर्थ के बाद हमने जैसा कि यहाँ पर फोर्थ ईयर तक PYT किया, प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट किया, तो प्रीलिमिनरी फोर्थ के बाद जैसे फोर्थ में PYT किए, तो PYT के बाद फिफ्थ ईयर में और सिक्स्थ ईयर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टी लोकेलिटी यील्ड टेस्ट करेंगे, अलग अलग जगहों पे उसका यील्ड टेस्ट करेंगे। मल्टी लोकेलिटी मतलब अलग अलग जगहों पर किया जाता है यील्ड टेस्ट। तो मल्टी लोकेलिटी ये PYT किए थे और यहाँ पे हम लोग मल्टी लोकेलिटी यील्ड टेस्ट किए। तो इसमें क्या होता है, जो गुड कैरेक्टर्स वाले होंगे उनको हम चुन लेंगे और जो हमारे लिए इन्फीरियर होंगे, जो ख़राब होंगे, उनको हम रिजेक्ट करते जाएंगे। इस तरीके से दो साल फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर तक करेंगे। उसके बाद सेवन्थ ईयर में सेम वही प्रोसेस जैसा कि हमने पिछले पुराना सिलेक्शन में किया था, जो हमारे पास बीज आया, जो अच्छे करेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम बड़े लेवल पर फील्ड में रिसर्च पर ग्रो करेंगे। उसके बाद ये ग्रो करने के बाद इसमें से बेस्ट क्लोन को चुन लेंगे और उसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन के बाद हम इसे मार्केट में नई वैरायटी के रूप में, न्यू वैरायटी के रूप में रिलीज कर देंगे। ये हुआ हमारा प्रोसेस क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन का। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मतलब सेम जो हमने क्रॉप्स लिया था, हमने जो क्लोन दो लिए थे उनका क्रॉस कराया, उसके बाद सेम क्लोनल सिलेक्शन की तरह प्रोसेस करते हुए हमने एक जो वैरायटी पाई, उसके बाद हमारा ये क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हुआ। जैसा कि हमने जाना क्लोनल सिलेक्शन में क्या किया, हमने एक क्लोन ए लिया, क्लोन बी लिया, उन दोनों का क्रॉस किया, हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड बनाने के बाद उसे लेवल हाई लेवल पे ग्रो किया, मतलब कि फील्ड में ग्रो किए। फील्ड में ग्रो करने के बाद उसमें लाइन में ग्रो किए। लाइन में ग्रो करने के बाद PYT किया। PYT के बाद MYT किया, मतलब प्रीलिमिनरी यील्ड टेस्ट, फिर मल्टी लोकेलिटी यील्ड टेस्ट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसे बड़े लेवल रिसर्च पर ग्रो किया, फिर हमने उसका मल्टीप्लीकेशन किया और उसे मार्केट में फिर नए वैरायटी के रूप में रिलीज किए। ये था हमारा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा तीनों टॉपिक, ब्रीडिंग मेथड इन एसेक्सुअली प्रोपागेटेड क्रॉप एंड क्लोनल सिलेक्शन, उसके बाद क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।